दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज जो 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में आते हैं। ये सभी 32 इंचेस के एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज होने वाले हैं जिनमें आपको पिक्चर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और फीचर्स टॉप नॉच मिल जाएंगे। वैसे ये सभी 12,000 से 16,000 रुपए की प्राइस रेंज में आते हैं जो सेल वगैरह में आपको और भी कम प्राइस में मिलते हैं। इस लिस्ट के लगभग सभी स्मार्ट टीवीज में आपको HDR 10 प्लस सपोर्ट, डॉल्बी ऑडियो, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, बेजलेस डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो अगर आपका बजट भी 15,000 रुपए के आसपास है और इस प्राइस में कोई बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट स्मार्ट टीवी सिलेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा स्मार्ट टीवी लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आती है Redmi 32 इंच स्मार्ट टीवी। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे सस्ती स्मार्ट टीवीज में से एक है। अभी Amazon पर ग्रेट रिपब्लिकन सेल चल रहा है जिसमें ये आपको 11,000 रुपए के करीब देखने मिल रही है जो इस प्राइस में एक बेस्ट डील है। वैसे नॉर्मली इसकी प्राइस 13,000 से 14,000 रुपए के करीब देखने मिलती है, तो मैं कहूँगा प्राइस के हिसाब से बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है जो पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स काफी बेटर प्रोवाइड करती है। यह 32 इंचेस की A+ ग्रेड LED पैनल, विविड पिक्चर इंजिन, डायनामिक कॉन्ट्रास्ट और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें 20W स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस, DTS वर्चुअल X, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट और एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और IMDb इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट, 1 AV पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और इथरनेट पोर्ट्स दिए गए हैं। फिलहाल इस सेल में आपको 11,000 रुपए के अंदर देखने मिल रही है जो सेल के बाद इसकी प्राइस वापस से 13,000 से 14,000 रुपए के करीब हो जाएगी। दोस्तों प्राइस के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स का भी बेटर लेवल के मिलते हैं। सिर्फ इसके बेजल आपको थोड़े से ज्यादा लग सकते हैं लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट स्मार्ट टीवी है जिसे आप इस प्राइस में चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आती है नोकिया 32 इंच स्मार्ट टीवी और मोटोरोला रिवोट 2। दोस्तों ये दोनों टीवीज ये पोजीशन डिजर्व करती है। इन्हें आप आइडेंटिकल ट्विंस बोल सकते हैं क्योंकि ये सेम फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, लगभग सेम ही बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के साथ आती है। इनफैक्ट इनकी प्राइसिंग भी लगभग सेम ही देखने मिलती है। तो इस वीडियो में हम मोटोरोला रिवोट 2 की बात करेंगे। सेम ही फीचर्स आपको नोकिया की स्मार्ट टीवी में भी मिल जाएंगे। यह 32 इंच की A+ ग्रेड LED पैनल, HDR 10 प्लस सपोर्ट, 250 nits की ब्राइटनेस और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें 24W स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, वॉइस रिमोट कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट और एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, USB पोर्ट्स और AV पोर्ट्स भी दिए गए हैं। दोस्तों नॉर्मली इसके प्राइस 15,000 से 16,000 रुपए के करीब होती है लेकिन अभी आप इसे कार्ड ऑफर के साथ 14,000 रुपए के अंदर आसानी से परचेस कर सकते हैं। दोनों ही टीवीज में आपको लगभग सेम ही पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी मिलेगी, साथ ही इनकी प्राइसिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से किसी भी स्मार्ट टीवी के साथ जा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आते हैं Acer 32 इंच स्मार्ट टीवी। दोस्तों Acer की तरफ से आने वाली एक लेटेस्ट स्मार्ट टीवी है और इस लिस्ट की यही स्मार्ट टीवी है जिसमें आपको 1.5GB की रैम मिलती है। साथ ही इस लिस्ट की सबसे सस्ती स्मार्ट टीवीज में से एक है। इसके अलावा इसमें बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम लेवल की मिल जाएगी, साथ ही पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और फीचर्स भी काफी डिसेंट मिलते हैं। यह 32 इंच की A+ ग्रेड HD LED पैनल, HDR 10 प्लस सपोर्ट, माइक्रो डिमिंग, ब्लू लाइट रिडक्शन, इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबिलाइजेशन इंजिन और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें भी 24W के ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमॉस, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, 1.5GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज, वॉइस रिमोट कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट और एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, USB पोर्ट्स और AV पोर्ट्स दिए गए हैं। दोस्तों नॉर्मली इसकी प्राइस 13,000 रुपए के आसपास देखने मिलती है लेकिन इस सेल में आपको 10,000 रुपए के आसपास मिल रही है जो एक सबसे बेस्ट डील है। इस प्राइस में एक कंप्लीट पैकेज ऑफर करती है, साथ ही इस प्राइस में मेरी तरफ से भी आपको हाईली रिकमेंडेड स्मार्ट टीवी है। वैसे इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आती है MI5A। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम स्मार्ट टीवीज में से एक है। इसमें भी आपको Redmi 32 इंच स्मार्ट टीवी जैसे फीचर्स, पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी मिलेगी, तो इसे आप Redmi 32 इंच स्मार्ट टीवी का प्रीमियम और स्टाइलिश वेरिएंट भी बोल सकते हैं। इसकी प्राइस Redmi स्मार्ट टीवी से थोड़ी ज्यादा है लेकिन अगर आप ट्रू बेजल स्मार्ट टीवी इस प्राइस में लेना चाहते हैं तो इसे कंसिडर कर सकते हैं।
यह दिया 32 इंचेस की A+ ग्रेड LED पैनल, विविड पिक्चर इंजिन, डायनामिक कॉन्ट्रास्ट और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें 20W स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस, DTS वर्चुअल X, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट और एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विद IMDb इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट, AV पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और इथरनेट पोर्ट्स दिए गए हैं। ये भी आपको 1400 रुपये के करीब देखने मिलती है, जो अभी सेल में आपको 1200 रुपये के आसपास मिल रही है। इस प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवी है, जिसमें आपको पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी डिसेंट मिल जाएगी, तो मेरी तरफ से भी आपको हाईली रिकमेंडेड स्मार्ट टीवी रहेगी। वैसे सेल के बाद वापस से इसकी प्राइस 1400 से 1500 रुपये के करीब हो जाएगी, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसकी करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर एक की तरफ। तो नंबर एक पर आती है OnePlus Y1S। दोस्तों एक परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्ट टीवी है, जो प्रीमियम बेजललेस डिजाइन और सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के साथ आती है। अगर 1500 रुपये में आग बंद करके कोई स्मार्ट टीवी लेनी है तो इसे ले सकते हैं। नॉर्मली इसकी प्राइस 1600 रुपये के करीब देखने मिलती है, लेकिन इस सेल में आपको 1500 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगी। यह 32 इंचेस की A+ ग्रेड HD LED पैनल, HDR10+ सपोर्ट, गैमा इंजिन, एंटी अलाइजिंग और 1366x768 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें 20W स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट और एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें भी ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, RJ45 पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और AV पोर्ट्स दिए गए हैं। फिलहाल ये भी आपको 1500 रुपये में मिल रही है, जो इस प्राइस में सबसे बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है। अगर आप एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो OnePlus Y1S आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपका बजट 1500 रुपये से भी कम है तो Acer 32 इंच स्मार्ट टीवी और MI5A आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। वैसे इन सभी स्मार्ट टीवीज की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।